निकल, पहली फुर्सत में निकल। जी हाँ, बिल्कुल एक महीने पहले Xiaomi Realme को ऐसा ही कहेगा, और क्यों कहेगा ये वीडियो के आखिर तक आपको पता चल जाएगा। तो Xiaomi ने आज चाइना में अपने Redmi Note 8, Redmi Note 8 Pro, Redmi TV और Redmi लैपटॉप को लॉन्च किया है, और कमाल के स्पेसिफिकेशन और प्राइस के साथ लॉन्च किया है, और एक महीने के अंदर इंडिया में भी ये लॉन्च होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अच्छा वीडियो बिना कोई वक्त गवाए। अगर आप गैजेट चैनल पे नए हैं और ऐसी वीडियो हर रोज देखना चाहते हैं तो गैजेट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो पहले हम बात करते हैं Redmi Note 8 के बारे में। Redmi Note 8 कमाल के स्पेसिफिकेशंस का लॉन्च हुआ है, और इसका स्पेसिफिकेशन से 6.3 इंची फुल एचडी प्लस डॉट डिस्प्ले, इसमें है 90% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। ये अलग अलग स्टोरेज पीरियड में लॉन्च हुआ है, जैसे कि 4GB रैम 64GB मेमोरी, 6GB रैम 64GB मेमोरी और एक 6GB रैम 128GB मेमोरी। इसमें स्नैपड्रैगन 665। अगर इसके कैमरे की बात करें तो इसमें है 48 मेगापिक्सल वाला क्वाड कैमरा सेटअप, बिल्कुल Realme की तरफ है। जो 48 मेगापिक्सल वाला सेटअप है वो है 48+8+2+2, 48 वो मेन सेंसर है और 8 मेगापिक्सल जो सेंसर है वो वाइड एंगल सेंसर है, जो कि 120 डिग्री तक वाइड एंगल दे सकता है। 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर और दूसरे 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। अगर फ्रंट कैमरे की बात करें तो इसमें 13 मेगापिक्सल सेल्फी। अगर बैटरी की बात करें तो इसमें 4000 एमएएच बैटरी विद 18 वाट फास्ट चार्ज विद यूएसबी टाइप सी। और Xiaomi का ऐसा कहना है कि Redmi का पिछले जनरेशन में जो भी स्मार्टफोन था उससे 40% ज्यादा इस बार स्पीकर से आउटपुट मिलेगा, क्योंकि इसमें इस बार एक डेडिकेटेड ऑडियो चिप भी है। तो अगर इसके प्राइस की बात करें तो 4GB रैम और 64GB मेमोरी का प्राइस है 991, मतलब इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो 10,000 रुपए। 4GB रैम 64GB वेरिएंट का प्राइस है 12,000 रुपए, और 6GB रैम 120GB मेमोरी का प्राइस है 14,000 रुपए। मतलब तीनों स्मार्टफोन एकदम कमाल के स्पेसिफिकेशन के साथ लॉन्च हुआ है। अब हम जानते हैं इसका नेक्स्ट जनरेशन, मतलब नेक्स्ट वर्जन, जिसका नाम है Redmi Note 8 Pro। वो स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है 6.53 इंची फुल एचडी प्लस डिस्प्ले विद 91.4% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो, मतलब और भी ज्यादा स्क्रीन साइज के साथ लॉन्च हुआ है। इस बार इसमें इस्तेमाल हुआ है 3D कार्ब्ड ग्लास डिस्प्ले, मतलब जो ग्लास है वो थोड़ा सा कार्ब्ड होगा। अब इसके मेन हाईलाइट के बारे में बात करते हैं। इसमें है 64 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा सेटअप, मतलब 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल सेंसर, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर, दूसरे 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। अगर इसका सेल्फी के बारे में बात करें तो इसमें 20 मेगापिक्सल सेल्फी। इस बार इसमें 960 fps लो मोशन वीडियो भी सपोर्टेड है। अगर बैटरी की बात करें तो इसमें भी 4500 mAh बैटरी विद 18 वाट फास्ट चार्ज, जो कि Xiaomi की तरफ से ऐसा कहना है कि 2 दिन तक बैटरी चल जाएगा। USB टाइप सी, NFC। और अगर इसके प्रोसेसर के बारे में बात करें तो इसमें आ रहा है Helio G90T, मतलब Xiaomi की तरफ से पहला स्मार्टफोन आ चुका है Helio प्रोसेसर के। और अगर आप गेम खेलते हैं, मतलब गेमर्स के लिए इसमें एक स्पेशल फीचर है, क्योंकि इसमें लिक्विड कूलिंग फीचर भी है, मतलब इसमें सच में एक लिक्विड कूलर भी है। ये स्मार्टफोन भी 3 वेरिएंट के साथ लॉन्च हुआ है, 6GB रैम 64GB मेमोरी, 6GB रैम 128GB मेमोरी और एक 8GB रैम 128GB मेमोरी। अगर इसके प्राइस के बारे में बात करें तो ये तो और भी कमाल है। जो लोअर वेरिएंट है उसका प्राइस है 14,000 रुपए, जो उसके हायर वेरिएंट है उसका प्राइस है 16,000 रुपए, और जो एकदम हायर वेरिएंट, मतलब 8GB रैम 128GB मेमोरी, उसका प्राइस है 18,000 रुपए। और Redmi Note 8 Pro ने इस बार TikTok कंपनी के साथ टाई अप की है। आप लोगों में से जो लोग TikTok वीडियो बनाते हैं, अगर ये स्मार्टफोन खरीदते हैं तो इसके कैमरा के अंदर एक इनबिल्ट TikTok फीचर है, जिसपे क्लिक करने से आप ऑटोमेटिक TikTok का वीडियो शूट कर सकते हैं और डायरेक्टली आपके TikTok अकाउंट में अपलोड भी कर सकते। तो ये तो हो गया Redmi Note 8 और Redmi Note 8 Pro। और उसके साथ लॉन्च हुआ है 70 इंच Redmi TV, जिसका स्पेसिफिकेशन से इसका पहला स्पेसिफिकेशन से ये 70 इंच साइज है, एकदम थिन, मतलब पतला है टीवी है। इसमें 4K HDR, Dolby Atmos सपोर्ट और DTS HD का सपोर्ट है। इसमें आ रहा है 3 HDMI पोर्ट, 2 USB पोर्ट, Wi-Fi डुअल बैंड, और इसमें 2GB रैम, 16GB इनबिल्ट मेमोरी। अगर इसके प्राइस के बारे में बात करें तो ये भी कमाल का है, 38,000 रुपीस। मुझे नहीं लगता कि 38,000 रुपीस में मार्केट में कोई भी 4K टीवी है, और वो भी 70 इंच का है, और इतने कम प्राइस में मिलता है। और फोर्थ प्रोडक्ट जो Xiaomi ने लॉन्च किया है वो है Xiaomi का लैपटॉप, उसका नाम है Redmi Book। इस लैपटॉप का मेन फीचर है इसमें i5 10th जनरेशन या फिर i7 10th जनरेशन आता है। इसमें 8GB रैम, 512GB SSD, और ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें 10 घंटे तक बैटरी बैकअप रहेगा। अगर इसके प्राइस के बारे में बात करें तो जो i5 10th जनरेशन वर्जन है उसका प्राइस है 45,000 रुपीस, और जो i7 10th जनरेशन है उसका प्राइस है 50,000 रुपीस। वैसे मैं ऐसा कहना चाहूँगा,
कि मैंने लैपटॉप के मार्केट पूरा देखा है, इस प्राइस रेंज में एक बहुत ही बेहतर लैपटॉप है। वैसे आखिर में मैं कहना चाहूंगा, Redmi Note 8 और Redmi Note 8 Pro जिस दिन मार्केट पे लॉन्च होगा, मुझे नहीं लगता कि Realme का Realme 5 और Realme 5 Pro का एक भी यूनिट बिकेगा, क्योंकि देखिए 10,000 के नीचे Redmi Note 8 एकदम परफेक्ट स्मार्टफोन है, और 15,000 के नीचे मतलब 14,000 में जो Redmi Note 8 Pro का मैंने अभी मॉडल बताया वो एकदम परफेक्ट है, मतलब वो 6GB 64GB वर्जन। मैं तो Redmi Note 8 Pro का 6GB 64GB वेरिएंट का वेट कर रहा हूँ। वैसे आप किसके लिए वेट कर रहे हैं नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। तो आज का वीडियो यही तक, उम्मीद आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और आपके जो भी विचार है इस वीडियो के बारे में वो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तो तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर, थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।